हेलो दोस्तों, ज्ञान के बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2023 का कैसा रहेगा, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए वृश्चिक राशि की भविष्यवाणी जुलाई 2023 का सटीक आकलन किया है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सके। इस माह आपके परिवार में कुछ खटास आ सकती है, जिस कारण रिश्तों में दूरियां बढ़ेगी। आपका अपने भाई या बहन के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव होने की आशंका है। इस समय धैर्य से काम ले व कोई भी कटु वचन कहने से बचे। माता का सम्मान करें व उनके परामर्श को सुने। परिवार के अन्य सदस्य भी आपसे निराश रह सकते हैं, इसलिए स्वयं में सुधार लाएं। किसी भी प्रकार के विवाद को बढ़ाने की बजाय धैर्य से काम ले। व्यापार की दृष्टि से यह माह आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। इस माह आपको कोई बड़ा घाटा होने की संभावना है, इसलिए कोई भी निर्णय अपनों से बड़ों की सहमति से करें। अपने शत्रुओं पर ध्यान रखें व किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से दूर रहें। सरकारी नौकरी कर रहे लोग इस माह दुविधा की स्थिति में रहेंगे व उन्हें अपने काम के कारण तनाव का अनुभव होगा। आपका यह तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। प्राइवेट जॉब करने वाले अपने काम से संतुष्ट दिखाई देंगे तथा उनका मन अपने बॉस को खुश करने में होगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र इस माह अपने लिए नए क्षेत्रों को चुनने पर ध्यान देंगे तथा ऑनलाइन काम देखेंगे। अन्य क्षेत्र के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर संतुष्ट होंगे, लेकिन उनके अंदर भी अपने भविष्य को लेकर चिंता रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपनी पढ़ाई में तेजी लाएंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस माह आपको कुछ लोग भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपका ध्यान मुख्यतया अपनी पढ़ाई की ओर ज्यादा होगा। जिनका विवाह हो चुका है, उन्हें इस माह अपने जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा तथा वे इससे संतुष्ट दिखाई देंगे। आपके साथी के द्वारा हर क्षेत्र में आपकी सहायता की जाएगी, जिससे दोनों के बीच आपसी प्रेम और बढ़ेगा। रिलेशन में रह रहे लोगों को इस माह अपने साथी की ओर से कुछ अच्छा उपहार मिलने की संभावना है। जिनका विवाह नहीं हुआ है, उन्हें इस माह निराशा हाथ लगेगी। सच्चे जीवन साथी के लिए उन्हें अभी और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। इस माह आपको पेट संबंधी कोई समस्या हो सकती है, जैसे कि दस्त, कब्ज, गैस बनना, अपच इत्यादि। ऐसे में अपने खानपान का विशेष ध्यान रखें व प्रतिदिन आधे घंटे पैदल चले। यदि बाहर का खाना ज्यादा करते हैं, तो वह इस माह कम से कम करें। मानसिक रूप से भी आप कुछ तनाव में रह सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आएगी। माह के मध्य में कोई बात परेशान तो करेगी, लेकिन यदि उसे किसी अपने के साथ साझा करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखते रहिए ज्ञान की बातें।